रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें बिहार के सरसा की। कोरोना से मृतक आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। जिले के निजी क्लिनिक सूर्या हॉस्पिटल में कोरोना महामारी से मृतक आत्माओं को शांति के लिए निजी हॉस्पिटल डॉक्टरों और कर्मचारियों ने शोक सभा सहित 2 मिनट का मौन रखकर मृतक आत्माओं को शांति दिया गया। वहीं डॉक्टर विजय शंकर ने बताया कि दैनिक जागरण के द्वारा कार्यक्रम में कोरोना महामारी से मृतक आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण हेतु कार्यक्रम शोक सभा आयोजित किया गया था। उसी की शांति के लिए हॉस्पिटल स्टाफ सहित डॉक्टरों ने 2 मिनट का शोक सभा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर मौजूद डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, सुनील कुमार, सुंदर कुमार, सोनू कुमार, एलन कमरसील, शहबाज नपुर, प्रतिमा सोनी सहित अन्य लोग शोक सभा में आयोजित रहे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जो बिहार के सरसा में कोरोना महामारी के दौरान जिनकी डेथ हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके लिए शोक सभा का यहां इंतजाम किया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने शोक सभा का इंतजाम किया और उन मृतक आत्माओं के लिए यहाँ पर शांति की दुआएं मांगी गई। देखिए इस रिपोर्ट में। श्रद्धांजलि अर्पित किए थे, क्या था पूरा मामला? दैनिक जागरण के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई उनके लिए जिन्होंने कोविड महामारी में अपनी जान गंवाई। उसी कार्यक्रम के तहत सूर्या हॉस्पिटल में भी सारे चिकित्सक और यहाँ के कर्मी एक साथ श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए और 2 मिनट मौन रख करके मृतक आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि प्रकट की। नाम क्या हुआ सर? डॉक्टर विजय शंकर।